तो जैस्कोप का आज फाइनल वीडियो होगा, उसके बाद ये चैप्टर 8 कंप्लीट कर देंगे हम। व्हाट फाइनल डिफिनेशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जो था मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन जो हम कैलकुलेट किए थे ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ओके, और इसमें से ओमेगा जो है मेरा वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर, जैसे ये हमारा एक रोटर है ये रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, और ये जो जो ओमेगा पी है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन है, मैंने किसके अबाउट ये जो एम में इफेक्ट पड़ेगा वो जिसके अबाउट ये रोटर कैसे घूमेगा। ये तो हुआ अपने बॉट पे घूमना, अब ये रोटर भी क्या और भी कुछ एक्सिस में घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें उसके बाद हम मैथमेटिकली करके आके देखेंगे। तो तुम जो वीडियो देखे थे MIT वाला वीडियो, उसमें दिखा दिया गया कि पहले कैसे जायस्कोप इफेक्ट दिखता है सामने, ओके। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन था मेरा, उसके बाद एक्सेलरेशन टॉर्क जो लगेगा मेरा वो आई ओमेगा एंड ओमेगा पी से दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव जायस्कोपिक टॉर्क, क्योंकि टॉर्क मेरा है तो जो इसमें मेरा मोशंस होगा, जैसे हल्का सा भी अगर किसी चीज़ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट हम देंगे, हल्का सा भी डिस्प्लेसमेंट हम देंगे तो उसमें हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर टॉर्क पैदा हो जाता है। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्टिव जायस्कोप इफेक्ट लगता है। ये हो गया मेरा एक्टिव जायस्कोपिक टॉर्क, इसी का उल्टा होगा रिएक्टिव जायस्कोप टॉर्क, इसी को कहते हैं आग में जायस्कोपिक इफेक्ट। जैसे कि सेंट्रीपिटल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जस्ट उल्टा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टू बैलेंस। उसी तरह से ये जो मेरा एक टॉर्क लगा इसी को बैलेंस करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक रिएक्टिव जायस्कोप टॉर्क लगाता है, जिसको बोल सकते हो रिवर्स टॉर्क लग सकता है। ये अप्लाइड है, ये रिवर्स टॉर्क है, तो रिवर्स टॉर्क को ही कहा जाता है जायरोस्कोपिक इफेक्ट। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली एग्जांपल समझेंगे कि क्या इसका मतलब है। मान लो ये तीन तरह का एक्सिस हुआ, ओके, तीन वर्टिकल एक्सिस हुआ ओ एक्स, और एक रोटर है, ठीक है ना, एक रोटर है, और ये भी मान लो तुम एग्जांपल के हिसाब से कि एक हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, और उसका एक आगे सामने का जो मोटर है वो घूम रहा मेरा है। तो ये एक रोटर है जिसका मास 8 kg दिया हुआ है, ओके, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि सॉलिड है तो 0.18 kg मीटर स्क्वायर हम दे दिए हैं अपने से, एंड इस जो रोटेशन से घूम रहा है उसका रोटेशन से 25.13 rads/s, और ये जो निकला होगा वो 2πn/60 से निकला होगा, ओके, मतलब इसका एन कुछ दिया हुआ होगा, तो ये मेरा एन हो गया। तो इस हिसाब से ये अपना घूम रहा है। अब प्रॉब्लम मेरा ये है कि ये जब हम लोग घुमाएंगे तो क्या ये अपनी एक्सिस में घूमते रहेगा। फॉर एग्जांपल हम एक व्हील को बांध लिए, जैसे कि इस पिक्चर में अगर हम देख लें, इस पिक्चर में एक शाफ्ट है और एक व्हील हम ले लेते हैं साइकिल का व्हील, ओके, इस पॉकेट हो गया मेरा, और इसको हम लोग इस डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं, मतलब मान लो कि इसको इधर घुमा दिया गया, ओके, दिस इज कॉल्ड, अगर इधर से व्यू देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिया गया रोटेशन। तो जब इधर से देखते हैं हम लोग हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिया गया, और इसको मैं रस्सी से बांध दिए, तो ये सिर्फ अपने एक्सिस में घूमते रहेगा या कुछ होगा भी। तो फिजिकली फिजिक्स इसको प्रूव करेगा कि ये एक फिक्स एक रड है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे हम आर मान लेते हैं, ओके, तो ये क्या घूमेगा अपने एक्सिस पे। तो हम अपने हाथ से घुमा दिए, ओके, हम हाथ से इसको घुमा दिए, ये घूम रहा ओमेगा वेलोसिटी से, तो क्या अब जैसे छोड़ देंगे तो क्या ये रुकेगा ये घूमेगा, इसका जवाब यहाँ से मिलता है। तो जब ओमेगा हम दे दिए इतना सेम स्पीड से और इसको हम लोग इधर से रोटेट करवा रहे हैं, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, क्योंकि ये क्योंकि इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, सपोज ऐसे घुमा रहे हैं, ओके, डजंट मैटर, जिधर ऐसे घुमा रहे हम लोग हैं, तो मान लो जी ऐसे, ओके, लुक लाइक, तो ये इस डायरेक्शन में घुमा रहे हम लोग हैं, तो
बस इतना समझ लो कि जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उसके परपेंडिकुलर काम करेगा उसका। तो अगर हम लोग इसको ऐसे घुमाएं ऐसे, तो इसका डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इधर की तरफ काम करेगा। ओके, मतलब इसका जो वेलोसिटी है मेरा है, जो वेलोसिटीज है वो ओ और ए की तरफ काम करेगा। ओके, अगर रोटेशन मेरा इस तरह से होगा, ओके इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला होगा आई ओमेगा पी, तो मेरा आई तो पता है, ओमेगा मुझे पता है, और वाई पी मुझे नहीं पता, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अबाउट प्रिसीजंस, अबाउट प्रिसीजन याद रखना है, अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजंस। ये जो प्रिसीजन होता है किसके अबाउट होता है, ये होता है ओ जेड के अबाउट, ठीक है ना। जैसे जो घूमेगा, जैसे मान लो जेड एक्सिस है, ये जैसे जेड एक्सिस है, तो ये रोटर हो गया मेरा, ये इस तरह से घूमेगा, इसके अबाउट प्रिसीजंस के अबाउट, इसको बोलेंगे ओ जेड। ओके, ओ जेड के अबाउट ये घूमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ जेड या अबाउट प्रिसीजन एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिसीजन एक्सिस। देन अब देखो यहाँ पे एम जी जो मैं टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो इसको बैलेंस कौन करेगा। तो मेरा जो एक्टिव जायस्कोपिक टॉर्क हो गया ये, ठीक है ना, टॉर्क, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मेरा वो होगा मेरा, क्योंकि देखो यहाँ पे वेट है एम जी, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया हुआ 0.2 L, तो एम जी इंटू एल, तो ये इसका अपना एक टॉर्क है। एक तो हुआ एंगुलर वेलोसिटीज, याद रखना एंगुलर वेलोसिटीज, और ये इसका अपना वेट, सेल्फ वेट के चलते इसके ऊपर टॉर्क, इसके अबाउट क्या लगेगा टॉर्क, तो एम जी एल इंटू आई वाई पी। ओके, तो मेरा वाई पी जो होगा वो निकल जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा मेरा 3.47 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो मेरा समझ में आया कि ये दिया हुआ है मेरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर अबाउट ओ एक्स एक्सिस, याद रखना ओ एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा। तो फिर ये क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन अबाउट ओ जेड एक्सिस, ठीक है, ये इसके अबाउट हमारा रोटेट करेगा, क्योंकि हमको इसको बैलेंस करके इसको रखना है, ठीक है, इसको बैलेंस किया। अभी देखने के लिए हमें हमेशा एक्टिव का एक रिएक्टिव होगा। अब एक्टिव तो मेरा है नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ मेरा एक टॉर्क यहाँ पे लग रहा है। तो लुक दैट, सवाल कैसे अब समझो इसको, इस तरह से ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, इसको कैसे समझ लो। और ये जो टॉर्क है वो नीचे की तरफ घूम रहा, मतलब ये टॉर्क है ये अबाउट ओ वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा, याद रखना है ये जो टॉर्क है एम जी इंटू एल, ये जो नीचे की तरफ घूम रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन घूम रहा है, अबाउट ओ वाई एक्सिस पे घूम रहा है। इसको समझो थोड़ा सा, इसको मैसे करके दिखा देते हैं। जैसे ये मेरा अगर एक्सिस है तो ये मेरा हो गया ओ वाई एक्सिस, ओके, ये ओ वाई एक्सिस, यहाँ पे ये ओ जेड हो गया, ये ओ वाई एक्सिस हो गया। और इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं इस हिसाब से, या इसको हम ऐसे कर दें यहाँ से, क्योंकि मैं कैमरा थोड़ा छोटी नीचे पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ये मान लो तुम वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो जो रोटर में ये ई रोटर है, ठीक है, तो ये मान लो रोटर हुआ, तो रोटर का अपना वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये नीचे, तो जो टॉर्क किस लगा, टॉर्क लगाया ऐसे, टॉर्क नीचे की तरफ, तो टॉर्क क्या हो गया मेरा इस तरह से, तो किसके अबाउट टॉर्क लग रहा, ये ओ वाई के अबाउट घूम रहा है, ओके, दिस लाइक टॉर्क, ओके, ये। तो टॉर्क रिडक्शन कैसे होगा, टॉर्क रिडक्शन का जिधर रोटेशन होता है जिसके परपेंडिकुलर काम करता हमारा है, ओके, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटीज, ओके, और ये हो गया मेरा टॉर्क, क्योंकि ये ऐसे घुमा तो इसका इधर काम करेगा। तो अब ये जो होगा एंगुलर वेलोसिटी, ये इसको अप्रोच करना चाहेगा, इसको अपना पकड़ना चाहेगा, ताकि इसका भी डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन की तरफ मूव हो जाए, दैट कॉल द जायस्कोपिक इफेक्ट। तो अब इसका जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, मतलब ये ऐसे होगा या ऐसा, कि जो इसका जो मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है वही बता रहा 3.47, ओके, तो इसका जो मूवमेंट होगा यही है 3.47। अब सवाल है कि इसका मूवमेंट होगा ऐसा या ऐसा,
ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मूवमेंट होगा ऐसे चाहे ऐसे, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी का अप्रोचिंग करना इसको है। तो अप्रोच करने का दो तरीका हो सकता है, चाहे तो ये इधर पकड़ सकता है या नहीं तो इसको ऐसे घूम के ऐसे पकड़ सकता है, मीन्स ऐसा इसको पकड़ेगा नहीं तो ये इसको ऐसे कैच करेगा। तो अब इसका जवाब ये है कि जो टॉर्क लग रहा है मेरा, टॉर्क तो मेरा लग रहा है नीचे की तरफ, ओके तो नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर लगेगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन दिया 3.471, ये जो एंगुलर वेलोसिटीज है, ये अगर ऐसे देगा तो टॉर्क हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा, लाइक दिस वन डायरेक्शन। तो ये मेरा ऐसे है, लुक दिस वन, लाइक दिस वन, ओके दिस करेक्ट डायरेक्शन। तो क्योंकि इसका देखो डायरेक्शन क्या, अगर हम ऐसे कैच करेगा तो ये क्या है, मूवमेंट ऐसा है, तो मूवमेंट ऐसा है तो इसका ये होगा मूवमेंट इस तरह से, तो ये नीचे की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ, ओके नीचे की तरफ। और अगर इसका ये ऐसे काम करेगा तो ये ऐसे काम करेगा, तो मींस ये अगर नीचे की तरफ, ये टॉर्क नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लाने के लिए टॉर्क ऊपर की तरफ काम करना चाहिए, ओके तो टॉर्क जब ऊपर की तरफ काम करना चाहिए तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो डायरेक्शन होना चाहिए ऐसा, मीन्स इट इज अ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो इसका जो रोटेशन होगा वो ऐसे नहीं होगा बल्कि ये ऐसे होगा, ओके तो डायरेक्शन इसका मूवमेंट होगा ऐसा। तो दिस मीन्स इट्स रोटेट एंटी इज दिस डायरेक्शन, ओके तो इसका हो जाएगा मेरा डायरेक्शन जो इस तरह से मूवमेंट होगा, तो इसके प्लेन के अबाउट ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, मतलब ये मूवमेंट करेगा ऐसा ऐसे ऐसे करके, चारों तरफ से ये गोल गोल घूमते चला जाएगा, ऐसे 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 घूमते चला जाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड द जायरोस्कोपिक इफेक्ट, मतलब रिएक्टिव जायरोस्कोपिक इफेक्ट। और इसका जो जिस वेलोसिटी से ये घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, वो होगा 3.47 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका जवाब हो गया। सेकेंड हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एप्लीकेशन पे ही। फॉर एग्जाम्पल एक हवाई जहाज है, इसके सामने एक लगा हुआ है मोटर, ओके अब ये चीज है जैसे कि अगर ये चीज मेरा घूम रहा है, सपोज दैट इस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ऐसा, ओके ये इसका एक्सिस हो गया, ओके और ये इसको ऐसे घूम रहा है, ओके तो एंगुलर वेलोसिटी ये यहाँ पे हो गया मेरा इधर का। और अगर ये हल्का सा राइट टर्न लेता, ये देखो ये अब ये तो हो गया इफेक्ट। अब क्या है कि अब हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं कि इसमें हम लोग राइट टर्न देते हैं, ओके हमको लेफ्ट या राइट घुमाना है, तो अगर ये राइट टर्न ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड द राइट टर्न ले लिया ये चीज़, तो एंगल थीटा हो गया, इसका ओ ए तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, दूसरा हो गया ओ बी क्योंकि राइट टर्न ले लिया मेरा, हवाई जहाज जा रहा ऐसे उड़ रहा है, अचानक राइट टर्न ले लिया हमारा, जब राइट टर्न ले लिया है तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, तो ये जो हमारा इफेक्ट कपल, ये हुआ अप्लाइड कपल ए बी की तरफ, तो इसको रोकने के लिए क्या होगा, रोकने के लिए जस्ट इसका उल्टा काम करेगा, तो ये हम बी डैश एंड ए डैश लगा दिए, ओके जब ए डैश बी डैश लगा दिए हैं तो इसका जो डायरेक्शन ये हो गया मेरा एक कपल का फॉर्मेशन, ओके तो अब इसको रोकने के लिए हम लोग ये जो मेरा कपल लगाएगा वो डायरेक्शन कैसा होगा, ये देखो यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे, ओके तो दिस इज दिस वन डायरेक्शन, तो ये हो गया एक कपल, इस ये हो गया इसका उल्टा। अब इसको बैलेंस करने के लिए जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा होगा और वो काम करेगा जिसके उल्टा काम करेगा, मतलब कि ये होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस दिस डायरेक्शन। इसमें क्या होगा कि मैं जो नोज है, ये जो मैं मान लेते हैं मेरा ये टेल हो गया पीछे का, ये नोज हो गया, तो नोज क्या होगा लिफ्ट कर जाएगा, तो जब भी हवाई जहाज अगर राइट टर्न लेगा तो नोज मेरा लिफ्ट कर जाएगा और टेल नीचे की तरफ दब जाएगा, जब भी हवाई जहाज उसे मान लो उड़ रहा है ये और अगर राइट टर्न लिया तो नोज मेरा जो होगा वो उड़ जाएगा पीछे की तरफ, तो दब जाएगा, उसी तरह उल्टा होता है, जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो ये दब जाएगा ये उड़ जाएगा, दिस कॉल्ड द जायरोस्कोपिक इफेक्ट, ओके। तो ये था मैं आपको पूरी तरह से इसका कंसेप्ट, बस याद रखना है कि इसका टॉर्क डायरेक्शन और इसको बैलेंस करके देख लेना है।